गौतम बुद्ध उसी नारा में थे और परिनिर्वाण को प्राप्त होने वाले थे। उसी नारा बहुत ही छोटा सा नगर था, इसलिए बंते आनंद ने बुद्ध से प्रार्थना की, तथागत इस छोटे से जंगली कस्बे में परिनिर्वाण न ले। चंपा, राजगृह, सावस्ती, कौशाम्बी या वाराणसी जैसे महानगर में परिनिर्वाण को प्राप्त हो। बुद्ध ने कहा, आनंद ऐसा मत कहो, इस स्थान को छोटा न समझो। भूतकाल में यह बहुत ही समृद्ध, महान और गौरवशाली नगर था। उसके बाद तथागत ने आनंद को एक कहानी सुनाई। आनंद, भूतकाल में महासुदर्शन नाम का एक सम्राट इस क्षेत्र का शासक था। आज का कुशीनारा उस वक्त कुशावती था। कुशावती उस राजा की राजधानी थी। उनकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। राजा महासुदर्शन का राज्य बहुत ही बड़ा, समृद्ध और सुखी था। राजा और प्रजा के बीच गहरा सामंजस्य था। और ऐसे बुद्ध ने राजा महासुदर्शन के राज्य के बारे में कई सारी बातें बताई। आगे बुद्ध ने कहा, इतना सारा धन धान्य, चतुरंगणी सेना से बना विशाल साम्राज्य और सुभद्रा जैसी रूपवान रानी के होते हुए भी राजा के मन में विचार आया, यह सारी धन दौलत, यश और कीर्ति मेरे किस अच्छे कर्मों का फल है? निश्चय ही यह मेरे संयम, दान दक्षिणा और क्षमा और दया का परिणाम है। राजा ने सोचा, अब मुझे अपने भोग विलास पे संयम करना है। राग और द्वेष, काम और क्रोध, लोभ और मोह पर नियंत्रण करना है। राजा ने दृढ़ संकल्प लिया और राजपाट छोड़कर धर्म प्रसाद में चले गए। वहाँ एकांत में बैठते ही उनके पूर्व जन्मों के संस्कारों के फल स्वरूप उनका मन ध्यानमय हो गया। शीघ्र ही वहाँ प्रथम ध्यान को उपलब्ध हुए, फिर बाद में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान को प्राप्त करते हुए मैत्रीयुक्त चित्त को प्राप्त हो गए। ध्यान की गहनतम स्थिति के कारण उनका चित्त मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा युक्त बनने लगा। बहुत दिनों से महारानी सुभद्रा ने राजा को नहीं देखा था, इसलिए वह उनसे मिलने धर्म प्रसाद पहुँचे। पहुँचकर राजा से मिले। राजा को देखकर महारानी को विचार आया, महाराज की सभी इंद्रियां प्रसन्न है तथा उनके शरीर की आभा भिन्न है, कहीं महाराज शरीर त्यागने वाले तो नहीं। देवी सुभद्रा ने महाराज से प्रार्थना की, महाराज ऐसे राज्य, राजधानी, वैभव, धर्म प्रसाद और प्रजा से प्रसन्न और संतुष्ट हो, महाराज जीवित रहने की कामना करें। राजा महासुदर्शन ने कहा, देवी जीवन भर आपने मेरे साथ प्रिय, सुखद, प्रेम युक्त व्यवहार किया है, अंतिम समय में ऐसा कुछ न कहे जिससे मैं कामना युक्त होकर शरीर का त्याग करूं। तृष्णा के साथ मरना अच्छा नहीं, आप ऐसा व्यवहार करें जिससे मैं तृष्णा से मुक्त होकर शरीर छोड़ सकूं। ऐसा सुनकर महारानी रो पड़े, आंसू पोंछकर बोले, महाराज सभी प्रियों से निर्लिप्त हो, अनासक्त होकर तथा जीवित रहने की इच्छा का भी मन से त्याग कर दे, आप तृष्णा मुक्त होकर प्राण त्यागे, आप तृष्णा युक्त होकर प्राण न त्यागे। आनंद, तब कुछ देर बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। शरीर त्याग के समय उसे थोड़ी सी पीड़ा हुई, लेकिन वह सदगति को प्राप्त हुए। आगे तथागत ने कहा, आनंद हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि उस समय महासुदर्शन राजा कोई और था, तो आनंद ऐसा मत समझना, मैं ही उस समय राजा महासुदर्शन था। पूर्व जन्मों में इसी स्थान पर 6 बार मेरी मृत्यु हो चुकी है। आनंद 7वीं बार इसी स्थान पर तथागत का देह त्याग होगा। मैं देवताओं सहित समग्र लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहाँ तथागत का 8वां देह त्याग हो। देखो आनंद, वे पुराने सभी संस्कार क्षीण हो गए। आनंद, इसी तरह सभी संस्कार अनित्य है, विनाशी है और अस्थाई, इसीलिए इसमें राग करना, आसक्त होना व्यर्थ है, उनसे मुक्त होना ही परम सुख है। निश्चय ही कृत वस्तु का
उत्पत्ति और मृत्यु स्वभाव इस प्रपंच के संबंध से ही सच्चा सुख आओ, अर्थात सचमुच सारे संस्कार अनित्य ही तो है। उत्पन्न होने वाली सभी स्थितियाँ, वस्तु, व्यक्ति सभी अनित्य ही तो है। उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना यह तो इनका धर्म है, स्वभाव है। विपस्यना साधना के द्वारा उत्पन्न होकर निरुद्ध होने वाले इस प्रपंच का जब पूर्णतः समन हो जाता है, पुनः उत्पन्न होने का क्रम समाप्त हो जाता है, उसी का नाम परम सुख है, वही निर्वाण है, वही निर्वाण सुख है।